हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय निर्मला क्लासेज। आज हम चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4 इसे पहले वाली वीडियो में हम देख चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में जो आपको डाल दी है वीडियोस में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर That can be written using the digit 62743 each only once। हमको डिफरेंस निकालना है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट, बड़े और छोटे नंबर में। हमें एक डिजिट दे रखी है, एक डिजिट से हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और इससे इसमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, लीस्ट यानी छोटा नंबर। देखिए, हमें मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिया है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ पर। देखिए, गिव डिजिट्स आर, हमें ये डिजिट्स दे रखी हैं तो हमने लिख ली है, इन्हीं डिजिट से हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, जो आप क्लास 3rd, 4th, 5th, 6th में भी, 5th में भी, 5th तक देखते आए हैं किस तरह से हम डिजिट से स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। तो इन जो ये डिजिट्स दे रखी हैं हमें, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 7। 7 से छोटा 6, 6 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2। तो हमने ग्रेटेस्ट नंबर बन गया 76,432। लीस्ट नंबर इसी का उल्टा एडजस्ट कर दीजिए, पहले सबसे छोटा कौन सा है? 2, 3। मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर बन गया, एक डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर से क्या बन गया? ग्रेटेस्ट नंबर बन गया, एंड असेंडिंग ऑर्डर से स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। तो 2, 3, 4, 6, 7 यानी 23,467। कह रहा है डिफरेंस निकालना यानी अंतर, तो इसका मतलब माइनस होगा ये, तो अंतर निकल जाएगा। 2 में से 7 माइनस नहीं होते, कैरी ले लेंगे साइड से। 12 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 क्योंकि कैरी ली। ये वैसे 10th डिजिट मानी जाती है, 10 कैरी लेते हैं, 10 इसमें प्लस करते हैं। अब यहां से वापस कैरी लेंगे, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 6 काटेंगे, 6 हो जाएगा, यहाँ 3, 3 में से 4 माइनस नहीं हो रहा, साइड से फिर कैरी लेनी पड़ रही है हमें। तो 13, 13 में से 4 जाएंगे तो 9 बचेंगे, यहाँ हो जाएंगे 5। अब देखिए, 5 में से 3 माइनस हो रहा है, तो 5 में से 3 2 बच जाएंगे, 7 में से 4 2 माइनस हो रहा है इसलिए 5 बचेंगे। तो ये इनका डिफरेंस आ गया 52,965। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 इन ए डे। एक कंपनी है, एक मशीन है जो स्क्रू एक वन डे में 2,825 स्क्रूज को मैन्युफैक्चर करती है। हाउ मेनी स्क्रूज डिड द इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी? कि कितने स्क्रू वो प्रोड्यूस करेगी, बनाएगी, निकालेगी इन मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी के मंथ 2006 में। अब आप देखिए, जनवरी में यहाँ पर दे नहीं रखा है कितने डेज होते हैं, तो आपको जनवरी में पता लगाना है कि कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन करें, नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्स इन ए डे। अब हमें ये तो यही लिख रहा है कि वन डे में कितने स्क्रू मैन्युफैक्चर हुए, 2,825। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? जनवरी के मंथ में, वन डे में तो इतना हो गया, अब जनवरी के मंथ में टोटल कितने स्क्रू मैन्युफैक्चर हुए। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन मंथ ऑफ जनवरी, तो 31 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है, जब एक वन डे एक चीज का दे रखा है और ज्यादा का निकालता है कोई भी, तो आपको क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई, और ज्यादा का दे के एक चीज का निकालना पड़ता है तो डिवाइड करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन को समझिए और आंसर करना है अपने को। मल्टीप्लाई लैंग्वेज वाले सवाल है, पहले लैंग्वेज पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो 15 जो 5 हो गया, 12 जा 2, 18 जा 8, 12 जा 2 मल्टीप्लाई, 35 जा 15 कैरी 1, 32 जा 6 और 17, 38 जा 24 कैरी लगी 2, 32 जा 6 और 7, 8 कैरी प्लस कर दी 5, 7, 15 कैरी 1, 6 और 17, 8
यानी जनवरी के मंथ में 87,575 स्क्रू मैन्युफैक्चर हुए, प्रोड्यूस हुए। समझ में आ गया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब मर्चेंट है रुपीज 78,592 विथ हर। एक मर्चेंट है, व्यापारी है, कोई भी है, हर रेडी है ये, तो उसके पास 78,592 रुपीज हैं। सी प्लेस ऑन एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट रुपीज 1200 ईच। अब ध्यान से सुनना, उसको परचेज करने हैं 40 रेडियो सेट। अब वन ईच लिखा है, इसका वन रेडियो सेट कितने का है? 1200 का, यानी 1200 का। तो हाउ मेनी मनी विल रिमेन, कितना धन उसको विथ हर आफ्टर द परचेज, जब वो 40 रेडियोस परचेज कर लेगा तब उसके पास कितना मनी, कितनी मनी उसके पास रिमेनिंग बचेगी। तो देखते हैं अपन अब इसको करके। देखो, अमाउंट ऑफ मनी विद द मर्चेंट, आपको पता ही है ये मर्चेंट के पास इतना अमाउंट है उसके पास। नंबर ऑफ रेडियो सेट, कितने नंबर हैं रेडियो सेट, कितने लेने हैं उसको? 40। प्राइस ऑफ वन रेडियो, ये भी हमें पता है कि कितने प्राइस है वन रेडियो का? 1200। अब हमें इस 40 रेडियो का कॉस्ट निकालना है, तो हमने लिख दिया कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स। अब निकालेंगे, कभी भी ध्यान रखो जीरो वाले मल्टीप्लाई आते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं। 30 से 1, 2, 3, 30 लगा दीजिए। अब 4 को 2 से करें, 4, 2 जा 8, 4 बन जा 4, लो हो गया ये रुपीज 48,000 रुपीज के 40 रेडियो आ गए आपके। ठीक है, अब कह रहे हैं कि रिमेनिंग, कितना पूछ रहे हैं रिमेनिंग, उसके पास उसके परचेज करने के बाद कितना आफ्टर में बचेगा। तो रिमेनिंग मनी विद द मर्चेंट, तो उसके पास इतना धन था, अब हमने इतना धन उसने 48,000 उसने रेडियो खरीद लिए 40,000 रुपीज के, तो उसके पास अब कितना रिमेनिंग बचेगा, इसका माइनस कर देंगे बच्चों। ओके, तो देखिए 2, 9, 5, 8 का 8 में से 8 माइनस हो जाएंगे, 0, 7 में से 4 गए 3, यानी 3,592 रुपीज उसके पास रिमेनिंग रहेंगे जब वो परचेज कर लेगा रेडियो को उसके बाद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7,236 बाई 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। एक स्टूडेंट है, उसको 7,236 को 56 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने कर दिया 65 से। तो हाउ मच पास हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो अब हमने को कैसे निकाला है कि करेक्ट आंसर कैसे निकालना है जो ग्रेटर हो। ठीक है, ग्रेटर आएगा उसका, क्योंकि उसने 65 से कराई, 56 है। तो आपको देखिए, स्टूडेंट है, मल्टीप्लाई इससे करना था 56 से, कर दिया उसने 65 से। तो देखिए, आप पहले हम क्या करेंगे, दोनों से आपको मैंने लिख दिया यहाँ पे, वी डू नॉट नीड डू बोथ द मल्टीप्लाई, आपको इन दोनों से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे, आप 65 में से 56 को माइनस कर लीजिए, कितना आएगा? 9 आया, इंटू 7,236 ये कर दिया हमने मल्टीप्लाई। ठीक है, जो अब 9,000 को मल्टीप्लाई करो, 9, 6 जा 54, कैरी लगी 5, 9, 3 जा 27, 27 और 5 बोलिए 32, 27 के बाद देख लीजिए 27, 28, 29, 30, 32, 31, 32, 32 का 2 कैरी लगी 3, 9, 2 जा 18, 18, 19, 20, 21 कैरी लगी 2, 9, 7 जा 63, 63, 64, 65 ये आपका आ गया 65,124। ओके, ये आपका ग्रेटर नंबर आ गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो द आंसर ग्रेटर देन, यहीं से लिख सकते हो द आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर तो कितना हो गया करेक्ट आंसर 65,124।
ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके डबल करके देखोगे, दो बार करोगे, फिर उसको माइनस करोगे, तो इसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, इसलिए मैंने इस तरह से आपको करके बता दिया है, फटाफट से हो जाएगा। डबल मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इससे करो, फिर इससे करो, फिर माइनस करो, फिर जो आएगा ग्रेटर नंबर फिर आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन आप इस तरह से, आपको पूछ रहा है कि ग्रेटर नंबर ही निकालना है, तो हमने ये निकाल लिया। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।